जन कवि केदारनाथ अग्रवाल हालांकि अब नहीं है, मगर उनकी पार्थिव अनुपस्थिति के बाद उनके सृजन की गूंज कहीं ज्यादा है। उन्हीं की पंक्तियां हैं, दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा। आइए बांधा चलें जिसकी मिट्टी में वे विलीन हो गए। एक मेहनत कश से दूसरे मेहनत कश तक, एक आम आदमी से दूसरे आम आदमी तक सुख दुख और संघर्ष की आवाज पहुंचाने का माध्यम रही है केदारनाथ अग्रवाल की कविता। बांदा के किनारे बहने वाली इस केन नदी, इसकी गति, इसके एकांत, इसके जल में व्याप्त हलचल से केदार जी गहरे तक जुड़े रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे इस नदी से जुड़ा है किसान, मजदूर, मेहनतकश। केन नदी केदार जी की लंबी साहित्यिक यात्रा और संघर्षपूर्ण जीवन की साक्षी है। केदार जी ने लिखा था, दिन ने नदी को, नदी ने दिन को प्यार किया, दोनों ने एक दूसरे को जिया, एक दूसरे को जी भर कर पिया, आदमी ने दिन को काटा, नदी के पानी को बांटा। इस तपिश और इस चमक की तरह ही हैं केदारनाथ अग्रवाल की जीवन की भट्टी में तपी हुई कविताएं। केदार जी ने खरी खरी कहने में कभी कोई संकोच नहीं किया। एक प्रसंग में उन्होंने कहा था, लोग पैसा टटोलते हैं, मैं सत्य टटोलता हूँ। लोग इज्जत टटोलते हैं, मैं बेइज्जत होना पसंद करता हूँ। इसलिए कि मुझे सत्य तो मिले, अगर मैं सत्य पकड़कर आपको दे जाऊँ तो मेरे मरने के बाद भी वह कविता आपको सत्य टटोलने के लिए मजबूर करती रहेगी। कवि कर्म के साथ साथ केदार जी ने जीवन यापन के लिए वकालत की, मगर अदालत में भी उन्होंने सच्चाई का ही पक्ष लिया। पीड़ित शोषित लोगों के लिए बहसें की, दलीलें दीं। इंसाफ के लिए उन्हें कोई समझौता लोभ लालच मंजूर नहीं हुआ। बांदा के इस बस अड्डे के बिल्कुल करीब है बाबू केदारनाथ अग्रवाल का मकान। गलत तरीकों से जहां लोग धन कमाने में जुटे रहे, वहीं बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने इस 100 वर्ष पुराने मकान में केवल मेहनत की कमाई पर अपना जीवन जिया। केदार जी के व्यक्तित्व जैसा ही है उनका ये मकान, खुला, बनावट से दूर, साधारण, अपनापन लिए हुए और जीवंत। वक्त गवाह है कि केदार बाबू ने जहां विश्व साहित्य का मंथन किया, वहीं पर कानून की किताबों का भी। तभी तो वे गरीब आदमी की इज्जत को अदालत में बचा सके।
इस कमरे को देखकर केदार जी भावुक हो जाते थे। यह उनका और उनकी दिवंगत पत्नी का शयन कक्ष है। पत्नी को संबोधित उनकी अनेक कविताएं हैं। हे मेरी तुम आओ बैठे पास पास, हम हास और परिहास करें, एक दूसरे को निहार कर जीने का अभ्यास करें। हे मेरी तुम गठरी चोरों की दुनिया में, मैंने गठरी नहीं चुराई, इसीलिए कंगाल हूँ, भुखर शाहनशाह हूँ, और तुम्हारा यार हूँ, तुमसे पाता प्यार हूँ। दूर मुझसे हो न जाना, भूल से तुम खो न जाना, अन्यथा खोजा करूँगा मेरु से मरु से मही से, नाव से नदी से सिंधु से पूछा करूँगा, पेड़ से पथ से गली से, वायु से वन से कली से, धूल से पूछा करूँगा, गांव की गोरी कहाँ है, भाव की भोरी कहाँ है। इस हंसी में गहरा आत्मविश्वास है, जीवन का अर्थ और सौंदर्य है। चुका नहीं है केदार। बांदा शहर ने जीवन और कविता में केदारनाथ अग्रवाल की जद्दोजहद को साक्षात देखा। झूठ नहीं सच होगा साथी, करने को जो चाहे कर ले, चलनी पर चढ़ सागर तर ले, चींटी पर चढ़ चांद पकड़ ले, लड़ ले एटम बम से लड़ ले, झूठ नहीं सच होगा साथी। केदार अग्रवाल प्रेम, प्रकृति और समचेतना के श्रेष्ठ कवि हैं। डीएवी कॉलेज में लगातार दो दिन तक यह साहित्यिक आयोजन चला। इसकी सफलता के लिए जिम्मेदार थे यहाँ के छात्र, किसान, मजदूर, अध्यापक, साहित्यकार और बांदा की जनता। केदार जी व्यक्ति पूजा के खिलाफ हैं। उन्होंने लिखा था, मुझे न मारो मान पान से, माल्यार्पण से यशो गान से, मिट्टी के घर से निकाल कर धरती से ऊपर उछाल कर। मगर बांदा की जनता साहित्य प्रेमियों, मेहनतकशों, छात्रों और प्रगतिशील जनवादी साहित्यकारों के आग्रह को वे टाल नहीं सके। ये केदार जी का सम्मान नहीं था, उनकी जन प्रतिबद्धता का सम्मान है। उन्हीं के गीत को नई पीढ़ी ने प्रस्तुत किया। उठाओ मेरी पालकी हो, मित्रों, ऐसे कवि की उपेक्षा करना तो संभव नहीं ही है। असली बात यह है कि ऐसे कवि का सम्मान करके हम हिंदी जगत के सामने एक मिसाल पेश कर सकते हैं कि देखिए साहित्य के विकास की धारा इस तरफ आगे बढ़ेगी। इसके बाद कवि केदार जी ने अपने जीवन और अनुभवों के बारे में बताया। पंत जी की कविता उन दिनों
पल्लव निकला था इंडियन प्रेस से, तो वहाँ पर इलस्ट्रेटेड तस्वीरें थी, उसमें कविता से रुचि तो थी, पिताजी से संस्कार मिले थे, कुछ हमने भी पैदा किए इस बीच, और तो गोपाल शरण सिंह वगैरह कविता सरस्वती में, चांद में लोग निकला करते थे, तो वो किताब हम क्रिश्चियन कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। लेकिन सत्य मानिए, संस्कृत का विद्यार्थी नहीं था, हिंदी भी बहुत कम आती थी, वो किताब समझ नहीं पाते थे उनकी, लेकिन उसके शब्द जाल में हम जरूर आते थे, तो उसका मुझ पर प्रभाव पड़ा। पंत जी बड़े अच्छे लगते थे, उनको देखा मैंने, उस जमाने का हाल बताऊँ, हिंदू हॉस्टल में कवि सम्मेलन हुआ, वहाँ रसाल जी गए, मेरे पिताजी भी गए, अब वो जबलपुर से छोड़ के फिर इलाहाबाद में आ गए बैठ के करने लगे, तो हम लोग सब गए, उसमें हरिऔध जी कवि सम्मेलन के अध्यक्ष थे और कविता पाठ हो रहा था, तब तक पंत जी ना आए थे और मैं जानता भी नहीं था उनको तब तक, तो रसाल जी वगैरह सब पिताजी के पास बैठा हुआ था, इतने में एक खूबसूरत सी लड़की थी, यहाँ तक का कोट पहने हुए, क्या कहलाते हैं, 3 या 4 वो कहलाते हैं, और बाल घुंघराले, और मेरे रीतवादी साहित्य के संस्कार जाग उठे, मैंने देखा उन्हें तो मुझे मुग्ध किया। अरे मैंने कहा रसाल जी पिताजी बैठे हैं, कई बड़ी सुंदर लड़की है, कौन है, तो उन्होंने डांटा, कहा बे ये अंत जी। तो मैंने अपने छायावादी प्रमुख कवि को इस रूप में पढ़े, मैं उन पर मुग्ध हुआ, उनकी कविता पर मुग्ध हुआ, लेकिन वो निकल गए। खैर, तो वहाँ से इतने से फिर मैं विश्वविद्यालय में गया। अब यहाँ पढ़ाई उढ़ाई के तो ऐसे लाजुक वाजुक लिए थे, पढ़ाते थे कुछ समझ में नहीं आता था, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, भट्टी वो हमको 2 साल ये बर्थ कंट्रोल ही पढ़ाते, जबकि हमारे तब तक एक बच्ची 2 बच्चे हो चुके थे। बहरहाल हम यूनिवर्सिटी गए, तो वहाँ अगर अब होते तो हम शायद भर्ती न हो पाते, 3rd डिविजनल बड़ी मुश्किल से पास हुए किसी तरह। अब इसके बाद वहाँ जब पहुँचे, भर्ती हो गए अपना, और हिंदू हॉस्टल अच्छा था, वहाँ पहलवानी का खड़ा खड़ा बिठा, लोग अच्छे मस्त रहते थे, साइंस कॉलेज के मेयर कॉलेज के सामने है, वालफ्रेड पार्क है, चैन थी, अपना कमरा मिल जाए, खूब खाओ पियो मौज मारो, तो वो प्रवृत्ति गया, तो हम अपना भर्ती हो गए। वहाँ हमको, हमें 2 मित्र मिले, एक तो पंडित नरेंद्र शर्मा जो आजकल बम्बई में रहते हैं, जिनका आपने गीत सुना होगा सिनेमा में, ज्योति कलश छलके, बड़ा पॉपुलर गीत हुआ है और प्रसिद्ध वो थे, और मेरे एक मित्र थे शमशेर बहादुर से, ये देहरादून से आए, वो उर्दू भी जानते थे, कविता शायरी करते थे, हिंदी में भी रुचि रखते थे, हिंदी को भी लिखते थे, अब अंग्रेज़ी में भी कविता लिखते थे, तो मुझे वहाँ उनके साथ रहने पर वो मुझे गालिब की गज़लें सुनाते, ये सब सुनाते थे, लेकिन उनका कुछ मेरे ऊपर मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो बहरहाल इनकी सोबत से साहित्य में रुचि मिली, DAV कॉलेज कानपुर में गए। मैं अपने संस्कार, अपनी रुचियाँ, बुराइयाँ, भलाइयाँ सब आप लोगों के बारे में जो मेरी धारणा है, वहाँ गया, वहाँ भर्ती हो गया, वहाँ पढ़ने लगा। तो कानपुर मेरे लिए ज़्यादा अच्छा साबित हुआ बजाय इलाहाबाद के सांस्कृतिक केंद्र के, वो वहाँ मुझे जीवन को निकट से देखने का बहुत अवसर मिला, मजदूरों को, श्रमिकों के, ये सब इन लोगों से, वहाँ बालकृष्ण शर्मा नवीन थे और बालकृष्ण बलदुआ थे, इनके पास बड़ी अच्छी लाइब्रेरी थी किताबों की, क्लासिकल लिटरेचर की, तो मुझे यह जब मालूम हुआ तो धीरे धीरे मैं इनके पास जाने लगा और किताबें ले, बड़े शरीफ आदमी थे, मारवाड़ी आदमी थे, वो गद्य कविता लिखते थे, बहरहाल उनके यहाँ जाते थे तो हमको पकवान भी खाने को मिलते थे, ये भी एक विशेष कारण था।
अब कानपुर में ही रह करके डॉक्टर रामविलास भेज दस आए, निराला जी भेज दस आए थे, वहाँ रह के फिर मैं वहीं से एक दफ़े गया लखनऊ। वहाँ साइकिल से गए हम लोग तीन लड़के, निराला जी के यहाँ ठहरे, शायद नारियल वाली गली थी ये कौन सी गली थी, वहाँ गए हम लोग और निराला जी के यहाँ ठहरे। तो वो एक दरी बिछाए हुए अपना सुर्ती फाँक रहे थे, अकेले थे और कमल हुए थे जाड़े के दिन थे। तो हमने बताया नाम उन्होंने, वो उस जमाने में शायद वो लेख रहस्यवाद के खिलाफ जो हमने लिखा था, मैं नहीं मानता हूँ, निराला जी पर भी कुछ शायद एक आध सेंटेंस था लेकिन शिष्ट और संजत था, रहस्यवाद के खिलाफ था। तो उसको उन्होंने पढ़ रखा था क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि तुम्हारा लेख निराला जी ने पढ़ा तो टहलने लगे थे, तो ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ, खैर हमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, बड़े उससे ले गए होटल में, हमको खाना खिलवाया और सब कुछ खिलवाया। जो सबसे बड़ी बात है आदमी होने की बात, कभी तो सब हो सकते हैं, विद्वान है वो भी कभी हो सकते हैं, भाषा उनके पास है अच्छा लिख सकते हैं, नया गीत गोविंद लिख सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन आदमी बनना कठिन बड़ा काम है। मैंने निराला जी को देखा जब खा के हम लोग आए वहाँ तीनों लड़के, तो देखा कि निराला जी झाड़ू और बाल्टी में सफाई कर रहे हैं। इसका मेरे ऊपर प्रभाव, फिर मैं उनकी कविताओं के प्रति अधिक आत्मीय रूप से जुड़ता गया और उनको एकमात्र हिंदी कविता कई मान लिया। जयशंकर प्रसाद को हमने पढ़ा था, उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ाया था, आजाद सुल्तम को राम कृष्णी मुख में वो सब पढ़ते थे, उनको हमको उस जमाने में बड़ा अच्छा लगता था कि गोधूली की बेला में क्या आचल के दीप सिपाही तुम इस तरह कौतूहल से तुम आए, बड़ा अच्छा लगता आंसू। लेकिन नाटक भी था मैं कोर्स में बीए में, स्कंद गुप्त था या कुछ, बहरहाल उसके अच्छे लगते थे। लेकिन अब अपनी रुचि तो है, अपने संस्कार थे मेरे, जमीन से जुड़ा हुआ था, तो निराला की कविता में मुझे आदमी को मैं आदमी देख चुका था, तो इसलिए निराला की कविता मुझे सबसे अच्छी लगी। बहरहाल मुझे सारांश में ये कि मार्क्सवाद पढ़ते पढ़ते और वकालत करते करते और पत्नी को प्यार करते करते, अपने गांव को और नगर को प्यार करते करते मैं आदमी बन गया। मैं पहले एक कहता हूँ साधारण, लेकिन कैसे कहूँ कि जो किसी रुचिकर लगे, कम से कम वो एक दफ़े तो पढ़ ले, न मेरी सराहना करे प्रशंसा न करे, लेकिन पढ़े तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो भी उस तरह संप्रेषित हो, ये मेरी बड़ी भारी समस्या रही और इसे मैंने बड़े संघर्ष के बाद अर्जित किया। इसीलिए आप देखेंगे कि मैं लंबी कविता नहीं लिख पाता, कारण ये है कि एक तो मेरे पास वो प्रखर बुद्धि नहीं है जिसे कहते हैं कि पांडित्य नहीं है, कि मैं फौरन एक बात देखूं और फौरन उसकी प्रतिक्रिया मेरे को, मेरे अंदर उद्वेलन होता है तो मैं उससे देखता हूँ, प्रभावित होता हूँ, अब मैं उसको विश्लेषित करता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ ये नहीं समझ पाता हूँ, कभी कभी एक दिन में हो जाता है, कभी महीनों पड़े जाते हैं। तो ये मेरी अपनी कमजोरी है, मेरी मानसिकता की, मेरे पास वो सूत्र नहीं है मेरी चेतना में कि मुझे मेरी स्मरण शक्ति अच्छी होती तो मैं संसार का साहित्य तो मैंने पढ़ा लेकिन मुझे याद नहीं, अगर याद रहता होता तो मैं खट से कविता बना लेता, कहीं ना कहीं सूत्र जोड़ लेता, वो मेरे पास नहीं है।
तो इससे देखिए एक अच्छाई ये जरूर हुई कि मैं अपनी कविता लिख सका, आज की कविता लिख सका, अपने किसान की कविता लिख सका और अपने हिंदी की कविता लिख सका। मैं किसी दूसरे की कविता नहीं लिख सका, मैं व्यक्तिवादी नहीं हो सका। ये है मेरी कविता यात्रा। केदार अग्रवाल शब्दों के, धूप के साधक थे, समय के साधक थे, अर्थों के साधक थे, प्रेम के, शम के और रंगों के साधक थे। दिल्ली 1987, बच्चन जी का निवास सोपान, बच्चन जी का 80वां जन्मदिन, दो मित्रों का निश्चल संवाद। ये आज हमने देखा, पहले तो नहीं था। हाँ, ये नया निकल आया कुछ और पहले नहीं था ये? नहीं, पहले नहीं था। पर शरीर है इसमें क्या कब? अरे खैर, वो तो है, कोई बात नहीं है। तो अच्छी तरह चलते उलते थे हमको, अच्छी तरह याद बांधे। हाँ, मगर ये है कि इधर 2-3 साल से मेरी तबीयत। जब केदार 80 पार हुए तो परिमल प्रकाशन ने इलाहाबाद में एक भव्य समारोह किया, जिसमें कुछ पुस्तकें लोकार्पित हुईं और साथ ही केदार जी और डॉक्टर रामविलास शर्मा के बीच पत्रों के लंबे आदान प्रदान का लेखा जोखा एक बृहद ग्रंथ मित्र संवाद के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसकी चर्चा आज तक होती है। ये पत्र अपने समय, समाज, चिंताओं, सरोकारों और सोच के दस्तावेज भी हैं। केदारनाथ अग्रवाल का पत्नी प्रेम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का एक उल्लेखनीय पक्ष है। पत्नी मेरी पत्नी तो थी ही, साथ ही साथ वो मेरी परम मित्र भी थी। तो इसलिए, और दूसरों से मैं ज़्यादा बात नहीं करता था, दूसरों के बारे में पत्नी से सब बात कर लेता था। इसीलिए मैं जो यहाँ के बारे में लिखता था कविताओं में, तो हे मेरी तुम करके वो संकलन है, उन्हीं को एड्रेस करके उस जीवन के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में लिखता था, उस संकलन में इसीलिए वो है। तो पत्नी मेरी विश्वसनीय और बड़ी समझदार, इस तरह की बातें थी। वो हालांकि हम मार्क्सवादी जीवन दर्शन के थे और वो पूजा पाठ करती थी, लेकिन कभी कोई आपस में भेद नहीं आया। वो तुलसी पूजा करें, रामायण सुने, कुछ करें, कोई ना हम दखल करते थे ना वो हमसे दखल करती थी, अपना जीवन यापन ठीक से करते थे। यहाँ के लोगों का जीवन जैसा वो जीते हैं, हृष्ट पुष्ट बलीन है, लेकिन काम ठीक नहीं करते हैं। लेकिन नदी के पानी को लेकर के मैंने यहाँ की प्रकृति का जीवन दिया है। तो केन कूल का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है घूसे कसकर, तोड़ रहा है तट चट्टानी। ये जो भावना है यहाँ के लोगों में नहीं है। तो पानी में है केन के, इसको मैंने व्यंजित किया कि होशियार हो जाओ भाई, समझो। बांदा शहर धन्य है जहाँ केदारनाथ अग्रवाल सामाजिक और कवि कर्म में लंबे अरसे तक सक्रिय रहे। वे मृत्यु के ऐन पहले तक स्वस्थ थे। एक रात अंधेरे में वे गिर गए और उनके कूल्हे की हड्डी तक इलाज हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें लंबे समय तक विश्राम करना था, लेकिन ये उन्हें रास नहीं आया। उन्हें तो एक नियमित और भरपूर जीवन जीना ही हमेशा प्रिय था। बिस्तर पर पड़े पड़े वे भला कैसे चैन पा सकते थे। उन्हें अपनी सक्रियता हमेशा याद आती रहती थी। बांदा के अपने घर में केदार जी की नियमित दिनचर्या उनके अच्छे स्वास्थ्य की सजीव प्रतीक बनी रही। वे रोज पेड़ पौधों को और पूरे घर को झाड़ते पहुँचते थे और फूलों और पत्तों तक से वही व्यवहार करते थे जो मनुष्य से करते थे।
अभी 1 अप्रैल 2000 को ही तो वे 90 वर्ष के हुए थे, जिसे एक समारोह के रूप में बड़े लेखक वर्ग ने मनाया था। मगर नियति को उनका सृजन क्षति के पार पहुंचना मंजूर नहीं था। देह त्याग कर वे अपनी अर्धांगिनी और अपने परम प्रिय मित्र डॉक्टर रामविलास शर्मा की सुसंगति में चले गए शायद। अपनी अपार सृजन संपदा छोड़कर देखा जाए तो यह एक सार्थक और भरा पूरा जीवन था। उनकी पंक्तियां उनके समूचे काव्य की बीजक प्रतीत होती हैं। नींद आई भी न आई और मैं सोता हुआ जगता रहा, ओस बूंदों में झलकते सूर्य को लगता रहा। केदारनाथ अग्रवाल सृजन के सूर्य थे जो कभी अस्त नहीं हो सकता।